गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी क्लास सेवन मैथ्स एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर इन यस्टरडे क्लास वी हैव कम्पलीटेड आवर चैप एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज कि इस ब्लैंक को हमें फिल करना है और प्रॉपर्टी का नेम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है माइनस सेवेंटीन बाय ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाय जीरो देन वी गेट जीरो किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो और इसका नेम होगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से करते हैं तो आंसर में हमें मिलेगा जीरो

टेन ही होगा सिक्स बाय थर्टीन एंड माइनस ट्वेल्व बाय सेवेंटीन इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एडिशन की जो हमने की थी उसकी तरह है हमारी मल्टीप्लाई की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी ई बाय आर वाई एस इज इक्वल्स टू आर बाई एस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू इसको हमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जो हमने एडिशन में भी किया था कि पी बाय क्यू प्लस आर s इज इक्वल्स टू आर वाई एस प्लस पी बाय क्यू बट यहां पे क्या आ गया है मल्टीप्लाई आ गया है अब इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है रेशनल नंबर गिवन हमारे पास माइनस थ्री बाय सेवन और माइनस फाइव बाई फोर्टीन तो हमने ये पुटिंग कर ली है अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो कैंसिल होता है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और नहीं होते तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करके रखेंगे माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव फिफ्टीन माइनस माइनस विल मेक प्लस एंड सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन नाइनटी एट एंड इन अवर राइट साइड फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फोर्टीन सेवन जा नाइनटी एट इट मीन हमारे प्रॉपर्टी क्या हो गई यहां से वेरीफाई हो गई है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वेरीफाई द प्रॉपर्टी P by q multiply r by s plus m by n is equals to bracket p by q multiply r by s plus p by q multiply m by n इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है और नंबर हमारे पास minus three by five four by seven एंड five by ten ये हमने पुटिंग कर ली है सबकी हमें इनको सोल्व करना है पहले हम अपनी लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं लेफ्ट साइड में क्या हमारे पास माइनस थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई फोर बाय सेवन प्लस फाइव बाय टेन है तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे माइनस थ्री बाय फाइव हमने एज इट इज नोट किया मल्टीप्लाई अब जब एडिशन है और दोनों ही अनलाइ नंबर है तो हमें एलसीएम ले लेना होगा एलसीएम क्या आ जाएगा सेवन और टेन का सेवेंटी अब सोल्व करते हैं तो सेवन टेन जो होता है टेन फोर जा फोर्टी प्लस टेन से हम सेवन को डिवाइड करेंगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ब्रैकेट क्लोज माइनस थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई फोर्टी प्लस थर्टी फाइव सॉरी सेवेंटी फाइव अपॉन सेवेंटी इक्वल्स टू अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे बाकी सबको सिंप्लीफाई करेंगे थ्री फोर जे ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन में थर्टी फाइव प्लस यहाँ पे फाइव से फाइव हमारा कैंसिल हो जाता है तो आगे हमारे पास माइनस थ्री तो प्लस माइनस 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 थ्री बाय टेन थर्टी फाइव और टेन का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा सेवेंटी हो जाएगा सेवेंटी थर्टी फाइव से हम करेंगे थर्टी फाइव टू जा एंड ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सेवन आ जाएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी वन दोनों को ऐड करेंगे दोनों माइनस माइनस है हो तो जाएगा फोर्टी फाइव अपॉन में सेवेंटी और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव एंड फाइव फोर्टीन जा नाइन बाय फोर्टीन और यहां भी हम कैंसिल कर देते हैं इसको फाइव से फाइव वन जा फाइव वन जा फाइव एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव अगेन हम करेंगे फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फाइव फोर्टीन जा तो क्या आ गया माइनस नाइन बाय फोर्टीन और राइट साइड में भी क्या हो गया नाइन बाय फोर्टीन माइनस Hence our question. Thank you.